राजस्थान के एक भूले बिसरे पन्ने से निकली सैकड़ों साल पुरानी सबसे खौफनाक कहानी। एक विशाल नगर था, 800-900 साल पहले किराड़ू ऐसा नहीं था। यहाँ पे लगभग उस जमाने में भी 25,000 की आबादी वो हुआ करती थी। हंसता खिलखिलाता, खुशियों से भरा। 12वीं शताब्दी का यह बहुत बड़ा क्षेत्र था और उन्होंने इसको व्यापारिक और एक कल्चरल आयाम दिया। सब कुछ था वहां, लेकिन एक रात अचानक सब खत्म हो गया। अब उस जगह कोई नहीं जाता। किराड़ू क्षेत्र के अंदर आज भी लोग रात्रि में जाने से डरते हैं। रात को यहां कोई रुक नहीं सकता। भूत है या फिर कुछ ऐसी आत्माएं हैं जो वहां रात को चिल्लाती है। सब बेवजह ही डरते हैं। लगभग 900 वर्षों से यहाँ वीरान सा है, या भूतिया मंदिर भी कहते हैं, और जहाँ कोई रात को रहने का साहस नहीं करता। लेकिन आज भी जब वहाँ रात होती है तो जानते हैं क्या होता है? वही जो हमारे साथ हुआ। अलार्म, अलार्म बजा, अलार्म। ओ गॉड, लगातार बजा ये। पूरा पांव बना हुआ है, पूरा पांव। चल 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 चल। ओ ओ ओ, अबे पानी लेकर आओ। कभी आवाजों की आहट सुनी? कभी परछाइयों का पहरा देखा? सुनी सुनाई बातें जैसे सच हो गई। वहम मानो वजूद बन गया। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम आज रात है उस चौखट पर जहां वक्त करवट लेना भूल गया। तलाशेंगे उस मुर्दा शहर का सच जो आज भी 900 साल पुरानी सांसें ले रहा है। नहीं, नहीं। हम रात बिताएंगे वहां जहां से आज तक कोई नहीं लौटा। तो रात को वहां रह गया, वो वापस जिंदा नहीं आया। देखिए किराड़ू की कहर कथा। आधी हकीकत आधा फसाना। आज कहानी है एक वहम की, वो वहम जो रहम नहीं करता, जो कभी खत्म नहीं होता बल्कि खत्म करता है। वही वहम जो किराड़ू को मारता है आज भी हर रात। लेकिन कैसे, यह समझने के लिए हमें किराड़ू को समझना पड़ेगा। कहते हैं सैकड़ों साल पहले किराड़ू राजस्थान का सबसे समृद्ध और सांस्कृतिक नगर था। व्यापारियों की भीड़, हजारों परिवारों का संगम, रास, रंग और रस में डूबा विशाल नगर। लेकिन फिर कुछ हुआ और पूरा नगर वीरान हो गया। हमें लगा कि कोई प्राकृतिक आपदा आई होगी, जैसे भूकंप, बाड़मेर का कुछ हिस्सा वैसे भी सीज़मिक जोन 4 यानी हाई रिस्क जोन में आता है। लेकिन लोगों ने कहा कि भूकंप को छोड़िए, असली वजह तो एक खतरा है। और आज भी हर रात वो खतरा किराड़ू में जिंदा हो जाता है। इसलिए जो रात में वहां रुका वो कभी नहीं लौटा। हमने सोचा कि रात वहीं बिताएंगे
और इस वहम को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। बस हमने यही गलती कर दी। अब ऐसा वहां क्या हुआ, हमें क्या दिखा, वो आप ये कहानी देखे बिना समझ नहीं पाएंगे। तो देखिए किराड़ू के कहर का सच। केसरिया बालम राजस्थान सुंदर सजीला, मीरा की भक्ति में डूबा, महाराणा के शौर्य का साक्षी, घेवर की मिठास सा मधुर, अभेद्य दुर्गों सा मजबूत, इसकी रेत में रंग रस और रण का लंबा इतिहास छुपा है, इसका कल इसका आज छुपा है। लेकिन कुछ और भी है जो यहां रहस्य बनकर बसा, एक खौफ। कहते हैं जो रात में जाएगा लौट नहीं पाएगा। ऐसा क्या होता है रात में वहां, चलिए पहले वो पता करते हैं। पर्टिकुलरली ये जो मंदिर है सच्चा माँ का मंदिर और पुराने जो ये किराड़ू वाला पुरातात्विक किराड़ू ऐतिहासिक मंदिर है, यहाँ आसपास आबादी नहीं है, लगभग 900 वर्षों से यहाँ वीरान सा है, यहाँ भूत है या फिर कुछ ऐसी आत्माएं है जो वहाँ रात को चिल्लाती है। भूतिया मंदिर भी कहते हैं और जहाँ कोई रात को रहने का साहस नहीं करता, ऐसा भी कहते हैं कि जो रात को वहाँ रह गया वो वापस जिंदा नहीं आया। आज से लगभग 800-900 साल पहले किराड़ू ऐसा नहीं था, यहाँ पे लगभग उस जमाने में भी 25,000 की आबादी वो हुआ करती थी, आज बिल्कुल वीरान सा हमारे को दिखाई देगा। ऐसा कहते हैं कि 11वीं शताब्दी के अंदर जब गुजरात के सोलंकियों के अधीन ये हुआ करते थे, गुजरात के सोलंकियों के जो परमार सामंत थे उन परमार सामंतों के अधिकार क्षेत्र में ये किराड़ू आया करता था। यानी इस मरुभूमि की मर्यादा भूमि थी किराड़ू और एक सांस्कृतिक विरासत भी। हमने पूछा कि क्या कोई प्राकृतिक आपदा आई थी जिसकी वजह से लोग चले गए, तो लोगों ने कहा कोई कहीं नहीं गया, पूरे 25,000 लोग वहीं हैं, बस बात इतनी है कि नगर बचा नहीं और लोग आपको दिखेंगे नहीं। एक किंवदंती इसके साथ में जुड़ी हुई है कि एक बहुत ही पहुंचे हुए साधु थे, वो साधु हिमालय पर तपस्या करने के लिए जाना चाहते थे। उस साधु ने गांव वालों को ये कहा कि मैं तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ और मेरे जो चेले हैं इन मेरे चेले चपाटियों का ध्यान रखना। वो साधु महात्मा तो चले गए। उसके बाद में कहते हैं कि यहाँ कोई बीमारी फैल गई, महामारी फैल गई, और उस महामारी के दौरान जो गांव वाले थे उन्होंने चेलों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। कुछ टाइम के बाद में जब साधु महात्मा हिमालय से तप करके और वापस आए तो साधु महात्मा ने कहा कि तुम लोगों के दिल है ही नहीं, तुम लोगों का ये जो हृदय है वो हृदय नहीं पत्थर है, तो तुम्हें तो पत्थर ही बन जाना चाहिए। और साधु ने पीछे श्राप दे दिया कि जो जिस अवस्था के अंदर है उसी अवस्था के अंदर पत्थर बन जाओ। लोगों का दावा था कि किराड़ू रात में जिंदा हो जाता है, मूर्तियां बन चुके लोग खींचते हैं, बुलाते हैं, और जो भी वहां जाता है वो भी पत्थर का बन जाता है। हमने कहा सब अफवाह है, हम रात में रुक कर ये साबित कर देंगे। हमने लोगों से साथ चलने के लिए कहा तो उन्होंने साफ मना कर दिया। रात को 8-9 बजे तक वहाँ मंदिर में रहना चाहिए, धूप ध्यान करना चाहिए,
उसके बाद में नीचे चले जाना चाहिए, रात को उस मंदिर में नहीं रहना। आधी रात के बाद अजीब सी आवाज़ें आएगी, डरावनी आवाज़ें आएगी, कोई चील की आवाज़ आएगी, शेर की आवाज़ आएगी, घुर्राने की आवाज़ आएगी। रात को कोई रुकता रुक ही नहीं पाया रात भर, जैसे मतलब वहाँ ऐसी स्थिति नहीं बनी कि रात भर एक व्यक्ति वहाँ रुक पाए। वैसे ही कोई लोगों ने प्रयास किए होंगे लेकिन वो अनसफल रहे और वहाँ रात को रुकना मुश्किल है वहाँ। सर वहाँ गार्ड वगैरह रहते हैं, वो भी शायद शाम के बाद वही, वो भी शाम को चले जाते हैं, शाम को एकदम पूरा सुनसान एरिया हो जाता है। बहुत सुन लिया, आज सदियों से फैले इस खौफ को खत्म करने का दिन था। बस इसी ख्याल के साथ हम पहुंच गए किराड़ू मंदिर। मेरे पीछे आपको कतार में तीन मंदिर दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन एक वक्त था जब यहाँ पर पहाड़ियों पे एक दो नहीं सैकड़ों मंदिर हुआ करते थे। लेकिन फिर 11वीं शताब्दी के बाद जिस तरह से कहा जाता है कि उस श्राप ने सारी तस्वीर बदल दी। पहले यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग रहा करते थे, सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु पूजा करने आते थे, लेकिन उसके बाद सब कुछ बंद हो गया, पूजा भी खत्म हो गई, लोगों का आना भी बंद हो गया, यहाँ लोगों ने रहना भी छोड़ दिया। मतलब इस पूरे इलाके की तस्वीर एक श्राप ने हमेशा हमेशा के लिए बदल दी और आज ये सब कुछ बिल्कुल बंजर और वीरान है। बेशक सब वीरान था, लेकिन इसके अधूरे आज में इसके बीते कल की परछाई कैद थी। आज जब आप चारों तरफ वीराना देखते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि ये एक वक्त में कितना समृद्ध, कितना शानदार इलाका रहा होगा। यहाँ जो हर तस्वीर है, फिगरेंस हैं, ये लाइफ का कोई ना कोई हिस्सा डिपिक्ट कर रहे हैं। मतलब इसमें पूरी पूरी कहानियाँ कही जा रही हैं। यहाँ पर हर बनी हुई मूर्ति में एक कहानी है। जैसे इसी को लीजिए, ये समुद्र मंथन का सीन है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गणेश भगवान हैं और ये समुद्र मंथन चल रहा है, जो इस सांप को लपेट के ये मंथन किया जा रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी तस्वीरें, हर तस्वीर में एक अलग कहानी है, एक नई बात है और ज़िंदगी को पूरी तरह से डिपिक्ट किया गया है। मतलब जिस तरह की यहाँ पर कभी ज़िंदगी रही होगी, उस पूरी ज़िंदगी को इन तस्वीरों में दिखाने की कोशिश की गई है। हमने पैरानॉर्मल सोसाइटी की एक टीम बुलाई थी, जो आधी हकीकत आधा फसाना की टीम के साथ मिलकर किराड़ू के कहर का रहस्य खोलेगी। उनके आने से पहले हमने भूतों के स्पॉट, मतलब उन जगहों को मार्क करना शुरू कर दिया जहां लोगों ने आवाजें सुनने या साये देखने का दावा किया था। मैं जिस जगह पर खड़ा हूं वो इस पूरे कॉम्प्लेक्स की सेंटर मोस्ट पॉइंट है, मतलब इस पूरे कॉम्प्लेक्स का बिल्कुल बीच का हिस्सा। अब आप इस जगह को अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बिठा लीजिए। एक एक दीवार, एक एक आकृति को, एक एक पिलर को आप अपने जहन में पेवस्त कर लीजिए, क्योंकि ये वो जगह है जिसके बारे में सबसे ज़्यादा किस्से कहानियाँ सुनाई जाते हैं। लोग मानते हैं कि यही वो जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्टिविटी होती है। लोगों ने आवाज़ें सुनने का दावा किया है, लोगों ने साया देखने का दावा किया, और ये सब मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सब वो कहानियाँ हैं जो मुझे लोगों ने सुनाई हैं। लेकिन यहाँ असल में होता क्या है और क्या नहीं, ये तभी पता चलेगा जब हम यहाँ पर रात गुजारेंगे। अब जैसा मैंने आपसे कहा कि ये इनफैक्ट एक बहुत बड़ा चैलेंज है यहाँ पर रात गुजारने के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमको खाना, पानी और अपने रहने का इंतज़ाम करना पड़ेगा, जो यहाँ आसपास कहीं पर भी नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखिए और इस चैलेंज को भी ध्यान में रखिए कि आज तक यहाँ पर रात कोई रुका नहीं है, लेकिन हम वो चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं। हमने उन मूर्तियों को परखा जिन्हें लोग किराड़ू का बाशिंदा कहते हैं। किराड़ू मंदिर के पूरे इलाके में, जो आसपास का इलाका है, वहां पर हर तरफ इस तरह की मूर्तियां बिखरी हुई हैं। आप देखिए, मंदिर कॉम्प्लेक्स हमारे यहाँ बहुत सारे हैं और बहुत सारे मंदिर कॉम्प्लेक्स को तोड़ा गया है, तो उनकी मूर्तियां इस तरह से बिखरी होती हैं, लेकिन जितनी मूर्तियां यहाँ पर हैं वो अनबिलीवेबल है। आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी तादाद में मूर्तियां यहाँ पर हैं। अब गांव वालों का तो, जैसे मैंने कहा कि सीधा सीधा बिलीफ यही है कि ये सब आसपास के गांव वाले थे, कोई खेत में काम कर रहा था, कोई पानी भर रहा था, कोई कहीं जा रहा था आ रहा था, और सब पत्थर के बन गए। लेकिन
पता नहीं सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, मुझे नहीं पता, लेकिन इस तरह की मूर्तियां हर तरफ, मतलब आप इस जंगल में कहीं पे भी चले जाएं, इस तरफ आप कहीं पे भी पहाड़ियों की तरफ चले जाएं, जिधर भी आप जाएंगे आपको इस तरह का ढेर, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मूर्ति, किसी का पैर, किसी का हाथ, किसी का मुंह, कुछ ना कुछ जरूर पड़ा हुआ मिलेगा। और ये अपने आप में बेहद शॉकिंग है, बहुत ही हैरान कर देने वाला है। हमने अपनी पड़ताल के लिए मंदिर के कई हिस्से चुन लिए थे। कुछ घंटों के इंतजार के बाद पैरानॉर्मल टीम भी आ गई। सो वेलकम गोविंद, कैसे हैं? बढ़िया मेरे भाई, मैं आखिर मैंने तुम्हें बुला ही लिया कि जी बिल्कुल। पढ़ा तुमने इसके बारे में? हाँ पढ़ा है इसके बारे में, काफी कुछ पढ़ा है मैंने इंटरनेट से भी, और फिर लोगों से सुना भी है इसके बारे में। और ऐसा कहा जाता है कि जैसे यहाँ पर सूरज ढलता है तो यहाँ जो भी रात को रुका पत्थर का बन जाता है, पत्थर वही देखने के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पर। मैं आपको बता दूँ, ये गोविंद है और ये शैंक है, और ये दोनों जो हैं पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स हैं। आप कहेंगे कि पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स क्या होते हैं? वेल, इतना समझ लीजिए कि इस तरह की हॉन्टेड जगहों को ये देश भर में तलाशते हैं और फिर उनकी तफ्तीश करते हैं। तो आज यहाँ पर भी हम वही करेंगे, और किस तरह से करेंगे, किन चीज़ों से करेंगे, वो हम सब आपको आगे बताते रहेंगे। अभी सिर्फ शाम का इंतजार कीजिए, लेकिन ये समझ लीजिए कि एक सबसे हॉन्टेड जगह है हिंदुस्तान की। ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल। हम खाली हाथ नहीं आए थे, हमारी टीम पैरानॉर्मल एक्टिविटी को पकड़ने वाले हर मॉडर्न इक्विपमेंट से लैस होकर आई थी। धीरे धीरे शाम ढली और अंधेरा छा गया। अब कई किलोमीटर के दायरे में सिर्फ हम थे। रोशनी के नाम पर कुछ लाइट थी, और थी वो कहानियां जो दिलो दिमाग में न चाहते हुए भी दस्तक दे रही थी। किराड़ू मंदिर में घुप अंधेरा हो चुका है, लेकिन सरप्राइजिंगली मैं अभी तक पत्थर का नहीं बना हूं, पर आपको मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ बिल्कुल रोशनी नहीं है। पहले लाइट्स ऑन करते हैं। लाइट्स ऑन। तो देखा आपने, मतलब बिल्कुल घुप अंधेरा है, दूर से दूर तक कोई रोशनी नहीं है, और चारों तरफ जंगल से जंगली जानवरों की आवाजें आ रही है। मतलब खतरा जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा कहीं है। और हम 5 लोग यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, और हमारे अलावा कई किलोमीटर तक कोई भी नहीं है। तो शाम तो हो चुकी है, रात का इंतजार है, पत्थर के तो अभी तक बने नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि यहाँ पर जो और खतरे हैं, मुझे तो ज्यादा डर जंगली जानवरों को लग रहा है, और मुझे पता नहीं कि ऐसे में क्या होगा, क्योंकि हमारे पास इस वक्त ना कोई हेल्प है और ना ही यहाँ से निकलने का कोई भी जरिया। ना कोई पत्थर बना, ना कोई साया दिखा, ना आवाज कानों में गूंजी। हमें लगा ऐसे ही पूरी रात आराम से कट जाएगी, लेकिन हम गलत थे। बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे कि बिल्कुल जब अंधेरा हो जाएगा उसके बाद हम अपनी एक्टिविटी शुरू करेंगे यहाँ पर, क्योंकि पहले तो डर ही था कि पत्थर के ना बन जाए, लेकिन वो नहीं हुआ। अब आगे क्या प्लान है गोविंद? इन्वेस्टिगेशन अपना स्टार्ट करते हैं। वंडरफुल। पहला करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे जो महत्वपूर्ण ये जो है, सबसे पहला इक्विपमेंट हमारा K2 मीटर है, इसी से हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले K2 मीटर से यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इन्वेस्टिगेशन क्या कर रहे हैं हम? इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं हम ये देखने के लिए कि कहीं कोई एनर्जी उस तरह की ना हो, किस तरह की कोई एनर्जी ना हो, कोई इस तरह की चीज़ जो बहुत शॉकिंग हो वो यहाँ पर हमें दिखाई दे। तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर कोई चीज़ मिलेगी, क्योंकि है तो बिल्कुल सुनसान बियाबान जंगल। लेकिन देखिए, जब से हम लोग आए हैं तो नेगेटिव वाइब्स तो फील हो रही है हम लोगों को। ठीक है, जब से हम लोग आए हैं थोड़े हैवीनेस लग रहा है बॉडी में, और जैसे अंधेरा हुआ है तो मैं और मेरी टीम के साथ हैं, थोड़ी आवाज़ जो है ना अजीब और गरीब आवाज़ें सुनाई दे, बार बार आवाज़ आ रही थी। क्या आवाज़ आ रही है? ग्राउल करने की ऐसी आवाज़ होती है, मान लो कोई जानवर है या कोई ग्राउल घुर्राने की, हाँ घुर्राने की आवाज़ है। तो वो तो आई है, बीच बीच में आई है, फिर रुक गई, लेकिन आ तो रही है आवाज़ें। थोड़ा डार्क ज़्यादा हो गया है उसके बाद से तो आई है आवाज़ आ रही है, आ रही है। चलिए तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, क्योंकि यहाँ ज्यादा रुकना बहुत खतरनाक है, मुझे नहीं पता क्या होगा आगे। लेट्स स्टार्ट आवर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, ओके। बीच बीच में आती गुर्राने की आवाज, कभी पास कभी दूर,
क्या आसपास कोई जंगली जानवर था, लेकिन इस इलाके में जंगली जानवर है ही नहीं, तो फिर ये अनजान आवाजें किसकी थी? रात के पहले पहर ने कदम क्या रखा, मंदिर में जोरदार हलचल शुरू हो गई। कभी कहीं से गुर्राने की आवाज सुनाई देती, तो कभी सूखे पत्तों पर किसी के चलने की आहट होती, कभी ऐसा लगता था कि जैसे खंभों के पीछे से कोई झांक रहा है, तो कभी पेड़ों में छुपी आकृतियां नजर आती। तो क्या लोगों ने सच कहा था कि किराड़ू रात में जिंदा हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। असलियत यह है कि लोगों का वहम उन्हें जिंदा कर देता है। मंदिर में होने वाली इन हरकतों से डरकर लोग इसे आत्माओं, शक्तियों और श्राप से जोड़ देते हैं। हमें लगा था कि हम रात भर रुकेंगे, न हम पत्थर में बदलेंगे, न कोई साया हमें शिकार बनाएगा, और फिर किराड़ू का खौफ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन आज जो हमारे साथ हुआ, उस सब पर आज भी यकीन करना मुश्किल है। रात का गहराता अंधेरा, जब सन्नाटा भी कुछ कहता है, जब पत्थरों के साए जिंदा हो जाते हैं, जब पेड़ों की परछाई झांकती है, आंखों से सीधे मन में खौफ बनकर, उस पहर में, उस नगर में हम थे। उस जगह जहां सैकड़ों साल से रात में कोई नहीं रुका, जो रुका वो लौटा नहीं। हमने शुरुआत वहां से की जहां दिन में भी कोई नहीं जाता। तो ये वो जगह है जो सबसे ज्यादा खतरनाक मानी जाती है, सबसे ज्यादा मूवमेंट यहीं पर होता है। लगाते हैं, पहले कैमरा लगाते हैं और फिर वो फुटप्रिंट वाला देखते हैं। दो एक्सपेरिमेंट्स हम यहाँ पर करेंगे। पहले कैमरा लगा लें। सबसे पहला तो हम यहाँ पर लगाएंगे ये सीसीटीवी कैमरा। अच्छा ये बताओ, ये कैमरा तो इंसानों के लिए होता है कि कोई इंसान गुजरे तो पता चले, इससे हमें क्या फायदा होगा? ऐसा है सुल भाई कि हम लोगों ने अपनी रिसर्च में कई बार सीसीटीवी का इस्तेमाल किया है, और सीसीटीवी में जो नॉर्मल कैमरे जो रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं रात के समय, वो अंधेरे में वो एक्टिविटी को ये रिकॉर्ड कर लेते हैं नाइट विजन में। अच्छा, नाइट विजन, इसलिए हम लोग इस पर भरोसा करते हैं और इसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, कहते हैं इस जगह पर प्रतिमाएं जिंदा होती हैं, घूमती हैं, आने वाले को पत्थर बना देती हैं। तो यहाँ ये कैमरा लगा दे रहे हैं, कोई भी मूवमेंट होगा तो उसे हम फोन से कनेक्ट करके देख लेंगे अपने, है ना? जी, जी। फोन से कनेक्ट रहेगा, किसी के हाथ में फोन दे देंगे, वो परमानेंट उसको देख सकता है। लेकिन दूसरी जो चीज है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये हो गया जी, अभी स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, स्टार्ट। अब इसे फोन से कनेक्ट करेंगे। वाईफाई से कनेक्ट हो गया कैमरा। अब हम यहीं दूसरा जाल बिछाएंगे। ये है पेपर चार्ट है ये, ठीक है, ब्लैक शीट है। इसको हम लोग बिछाएंगे यहाँ पर, ठीक है, और ये नॉर्मल पाउडर है, और इसको हम इसके ऊपर डालेंगे। अच्छा, इसको फैलाने के बाद, इसको रखने के बाद, हम यहाँ से जैसे जाएंगे, सीसीटीवी हमारा लगा है, अगर कोई एक्टिविटी होती है या कोई मूवमेंट होती है यहाँ पर, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, तो वो तो कैमरे में हमारे रिकॉर्ड होगा सीसीटीवी में। और दूसरा, इसके ऊपर हाथों का या पाँवों का जो भी होगा वो निशान बन जाएंगे इसमें। चार्ट पेपर बिछाया और उस पर सफेद पाउडर डाला। अब ये चार्ट पेपर हर हरकत का फंदा बन गया। कैसे?
वो समझते हैं। यहाँ पर ये ब्लैक सा है, इसके ऊपर व्हाइट पड़ा हुआ, अगर मैं अपना हाथ टेकूं और मैं यहाँ से निकल जाऊँ, ये निशान, ये देखिए बिल्कुल निशान जो है हाथ का बन गया। तो मैं कह रहा हूँ बहुत बेसिक सी चीज़ है लेकिन बड़ी कारगर है, कोई भी चीज़ गुजरेगी तो उसका निशान ज़रूर यहाँ पर मिल जाएगा। पहले इसको कवर कर दो ताकि ये ख़त्म हो जाए, ये मेरे हाथ का निशान है, प्लीज़ डू रिमेम्बर। तो ये वो एरिया है जिसके बारे में कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा एक्टिविटी यहीं पर होती है। आज तक किराड़ू में ये चीज़ नहीं हुई होगी, ये एक्सपेरिमेंट कभी नहीं हुआ होगा, इनफैक्ट आपने कभी टेलीविज़न पे भी नहीं देखा होगा। लेकिन ये जब होगा तब होगा, तब तक वक्त खराब नहीं करेंगे, अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाते हैं। अब इनका क्या करूँगा, इस ये बैलून हम लोग इसलिए लगाते हैं अगर कोई एक्टिविटी होगी तो मूवमेंट होगा इसमें, ये अपने आप इधर उधर हिलना शुरू हो जाएंगे, या हमारे बोलने से अगर हम कहते हैं कि अगर कोई यहाँ पर एनर्जी है तो इस बैलून को, कई बार ऐसा भी हुआ है कि ये हवा में उड़ने भी लगे हैं। अच्छा, और ऐसी एक्टिविटी करता है जो कि कभी सोची भी नहीं होगी। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, देखिए बिल्कुल सेंटर में हम इस वक्त इस टेंपल के, और जी ये जगह बिल्कुल बंद है चारों तरफ से, आपको दिखाई दे रहा होगा चारों तरफ पिलर्स हैं, सो देयर इज नो चांस कि यहाँ पर कोई बहुत एक्टिविटी हो, हवा हो बहुत ज़्यादा, उस तरह का कुछ भी नहीं है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, अगर कोई यहाँ पर है तो आप इस बैलून को, इस गुब्बारे को हिला करके बताएं, यहाँ से हमारे पास से हटा दें इसको, जोर से जोर से, ये तो नॉर्मल थोड़ा, ओह बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। ये कैसे हुआ? शायद हवा का कोई बहुत हल्का झोंका होगा जिसका हमें भी एहसास नहीं हुआ। फिर से जांच करते हैं कि जो मेरे साथ के हैं उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि आप यहाँ पर हैं, अपनी मौजूदगी फिर से बता दे, फिर से जोर से उड़ा दे सब, हट रहे हैं, हम लोग साथ बैठे हुए हैं, हमसे हवा नहीं है, बिल्कुल जी हवा नहीं है, हमसे टच होकर के रुके। 50-50, देखिए मैं इन चीजों में बिलीव नहीं करता हूँ। ऐसे में हम एकमत नहीं हो पाएंगे, हमने अलग अलग होकर मंदिर में घूमना शुरू किया। काफी देर घूमने के बाद भी हमें कुछ नहीं दिखा, क्या किसी और उपकरण का इस्तेमाल करें, ये सोच ही रहे थे कि तभी एक आवाज ने हमें चौकन्ना कर दिया। गर्मी बहुत ज्यादा है यहाँ पर और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है इन मच्छरों से, यार आपके पास कोई तरीका है इनसे बचने का? भाई साहब आपसे पूछ रहा हूँ। कोई तरीका नहीं है तो कैसे किया जाए, लाइट जलाते ही? अलार्म, अलार्म बजा, अलार्म, 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 हाँ अलार्म, अलार्म, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? कोई निकला यहाँ से? ओह शिट, अलार्म, अलार्म, ओह गॉड, लगातार बज रहा है ये, कोई घुस रहा है क्या यहाँ से? वहाँ कोई नहीं था लेकिन अलार्म लगातार बज रहा था। कैमरे का वीडियो बाद में देखेंगे, पहले अपना बिछाया दूसरा जाल चेक करते हैं। ओह गॉड, ओह ओह, ये देखो, आप देख रहे हो, देख रहे हो, समझ में आ रहा है, ये पांव का निशान है। ओह शिट, इट्स अ क्लियर फुट मार्क, एक पांव का निशान है बिल्कुल क्लियरली। यार इसे बंद करो किसी तरह से, गो शट इट डाउन और फुटेज निकालो, फुटेज देखोगे, बंद करो ये, जब तक नहीं हटेगा, जब तक हम हटेंगे नहीं जब तक ये बंद नहीं होगा। ओह गॉड, मैं पीछे था जब अलार्म बजा, मैं एकदम वहां से भागा हूँ और अंदर आए तो यहाँ पर ये पांव का निशान बना हुआ है। क्योंकि जब तक इसके सामने कोई आएगा नहीं, हाँ, आवाज नहीं करेगा, नहीं करेगा, मतलब कोई गुजरा है यहाँ से, बिल्कुल, और एविडेंस ये है। तलवा, एड़ी, उंगलियां सब दिख रहे थे एकदम साफ साफ, पैर का निशान किसी इंसान का था लेकिन किसका,
रात में इस वीराने में कौन आया था? क्या यहां कोई बदमाश छुपा है, कोई अपराधी? जो भी होगा कैमरे में जरूर रिकॉर्ड हुआ। हमने फौरन वीडियो चेक किया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ आज तक। ओह गॉड, देखो बजे जा रहा है वो अलार्म, बजे जा रहा है। ये फुटेज है इसका। क्या है, क्या है, क्या है, दिखाओ। ये फुटेज है पूरा। किराड़ों में फैले वहम का खात्मा होने वाला था। अभी तो कुछ भी नहीं है, सब खाली है। वेट कीजिए, क्योंकि हम फॉरवर्ड करके देखेंगे तो फिर। नहीं नहीं, फॉरवर्ड नहीं, आराम। ओह, क्या था ये? जो दिखा उसने हमारे होश उड़ा दिए। वो साया कैमरे के सामने से फिर लौट कर गया। निकलो यहाँ से, यहाँ से बाहर चलो, बाहर चलो, यहाँ से, यहाँ से निकलो, बाहर चलो। जो दिखा वो क्या था? कोई बड़ा कीड़ा, कोई छुपा हुआ बदमाश, या कुछ और? एक बात और परेशान कर रही थी। जब वो अनजान साया कैमरे के एकदम सामने से निकला तब दिखाई दिया, लेकिन जब चार्ट पेपर के ऊपर से गुजरा तब कैमरा उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाया। ये क्यों हुआ? हम सवालों में उलझे थे कि तभी हमें कुछ याद आया। डरो मत, डरो मत, कैमरा तो लाना ही पड़ेगा ना। चलो डरो मत, घबराओ मत, आगे कर आते हैं। आओ सब चलते हैं, साथ चलते हैं, सब कोई बात। आराम से, आराम से, घबराना नहीं, कोई भी घबराएगा नहीं। ओ, ओ, देखो हम यहाँ पर हैं, ये देखिए हम कितना दूर हैं और अलार्म बज रहा है, मतलब कोई सवाल नहीं है, हम कैमरे से बिल्कुल साइड है, कैमरा उस तरफ, ये देखिए लगातार बज रहा है कैमरा, अलार्म लगातार बज रहा है, मतलब यहाँ पर कुछ तो है, कुछ है, कुछ तो है यार। अभी हम लोग यहाँ पर हैं, सामने कोई नहीं है, हमें पूरा बाल खड़े हुए हैं, देखिए पूरी टीम हमारी यहाँ पर है, हम चार। कोई आवाज आ रही है आपने? हाँ, अभी धब से आवाज आई, ठीक से एक ही बार आई आवाज, बार बार अलार्म बजना। वहम दिलो दिमाग पर हावी हो रहा था, हमारे पैर जैसे वहीं जम गए थे। तभी गोविंद एक दिशा में दौड़ पड़े। एक मिनट, नहीं 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 नहीं, 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 क्या हुआ, क्या हुआ, एक मिनट, क्या हुआ? अरे यहाँ किसी को देखा मैंने, एकदम से बहुत लंबी हाइट में किसी को देखा यहाँ। डोंट टेल मी, एक मिनट, वी कैन अब सेव, कुछ तो है भाई। नीचे देखा, ऊपर देखा, चारों तरफ रोशनी डाली, लेकिन कुछ नहीं दिखा। कैमरे के सामने कोई नहीं था, लेकिन फिर भी कैमरे का अलार्म लगातार बजता जा रहा था। पावर है, उसका पावर निकाल दो। तुम घबराओ मत, साथ हैं हम सब। नहीं मैं घबरा नहीं रहा हूं, देखो एक अकेला होगा तो ठीक है। हां ठीक है, ठीक है, पावर से निकाल दो। चलो लाइट दिखाओ, लाइट दिखाओ, लाइट दिखाओ, पहले कैमरा बंद कर लो। इसके अंदर अब जो प्रूफ है ना, वो ऐसा रिकॉर्ड हुआ है जो आप, मतलब हम में से कोई भी शायद उसको डिनाई तो नहीं कर सकता। समथिंग क्रॉस दिस कैमरा। लोगों का दावा था कि किराड़ू पर अलौकिक शक्तियों का साया है। इस अंधेरे से भी ज्यादा घना और डरावना। इस बार हम विफल रहे, लेकिन यह हार अब जिद बन गई थी। हमने ठान लिया हम दूसरा तरीका अपनाएंगे और लोगों का अंधविश्वास खत्म करके ही लौटेंगे।
पीएम मोदी की बड़ी सौगात, समृद्धि महामार्ग का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। नागपुर में मेट्रो ट्रेन और वंदे भारत को पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी। शॉर्टकट राजनीति करने वाले दलों को पीएम की बड़ी नसीहत। दिल्ली के शराब घोटाले में तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी से पूछताछ। सीबीआई की टीम ने हैदराबाद में के कमिता से करीब 7 घंटे तक किए सवाल जवाब। न्यूज 18 के एंकर अमन चोपड़ा को मिला न्यूज और करंट अफेयर्स शो के लिए बेस्ट एंकर का आईटीए अवार्ड। देश नहीं झुकने देंगे के लिए किया गया सम्मानित। मेरी पूरी टीम देश नहीं झुकने देंगे की तरफ से, मेरी टीम, मेरे नेटवर्क 18 की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। एक साल पहले शो की शुरुआत की थी और एक साल के सफर में ये सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। लगने से हड़कंप मच गया। यात्रियों ने बस में से कूदकर अपनी जान बचाई। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक ट्रक के कंटेनर में लगी भीषण आग, कंटेनर में रखा सामान जलकर हुआ राख। बिहार के भागलपुर में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग, घर और दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हुआ। कुछ समझ नहीं आ रहा था। इन सारी घटनाओं की कोई एक कड़ी तो हमसे जरूर छूट रही थी। क्या हम वो कड़ी तलाश पाए, क्या हम पुराने रहस्य खोल पाए, या किसी नई उलझन में फंस गए? आगे अभी बहुत कुछ होने वाला है, देखते जाइए। चारों तरफ वीराना और अंधेरा, हर तरफ से आती अजीब आवाजें, अपरिचित हरकतों से बार बार कांपता किराडू, और बीच में हम, अब जिसे जो करना है कर ले। आज हम किराड़ू को वहम के श्राप से मुक्त करके रहेंगे। हमने अपना दूसरा उपकरण निकाला। अभी हमने सीसीटीवी देखा, फुटप्रिंट देखा, ठीक है। अभी जो हमारा मेन इक्विपमेंट होता है K2 मीटर, अब इसमें देखते हैं हम लोग क्या कितनी रीडिंग्स आती है, कितनी लाइट्स मिलती हैं हमें। भाई साथ रहना प्लीज एवरीवन, आप लोग पीछे ही रहिए। इसी जगह पे किया जाए जहां पे मैंने उस आया देखा था। पैरानॉर्मल टीम ने सवाल जवाब शुरू किए। जो भी साया मुझे दिखा था यहाँ पर, जो भी था, अगर वाकई में एक आप अदृश्य शक्ति हैं, तो क्या एक बार इस मशीन के पास आकर के इसमें लाइट जला करके हमें बता सकते हैं? कई बार सवाल पूछा लेकिन एक भी लाइट नहीं जली। सुना है कि आप लोगों के पास ज्यादा पावर्स होती हैं, तो आपको डरने की क्या जरूरत है? आप इसमें लाइट जला के बता दीजिए हमें आप यहाँ पर हैं। कोशिश कीजिए, इसके पास आइए। ये मशीन है, ये आपको किसी भी तरीके से कोई हानि नहीं पहुंचाएगी। थोड़ा नजदीक आ जाइए। सुल भाई, मुझे नहीं लगता यहाँ पर है, क्योंकि जिस तरीके से एक्टिविटी हो रही है, मुझे लगता है वो कहते हैं ना छलावा टाइप का, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, कभी K2 मीटर को कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है। ओ आपके हाथ में, आप कोशिश कीजिए आपके हाथ में लेने से। मैंने जैसे ही हाथ में उठाया लाइट जली। बुझती उम्मीद फिर रोशन हो गई। नए सिरे से सवाल करते हैं, कोई है यहाँ पर जो अपना एहसास हमको कराना चाहता हो, जो चाहता हो कि हम समझ सके कि यहाँ पर कोई है और हम चले जाएं, तो आप ये लाइट जलाइए और ये लाइट से हमें अंदाजा होगा, जैसे अभी जली थी। ओ ओ ओ यस 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 यस, ये आपसे बात करना। देखो 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 देखो, तीन तीन लाइट्स ब्लिंक हो रही है।
अचानक K2 मीटर में रीडिंग तेज हो गई। मैंने अपनी लाइफ में इतना रिस्पॉन्स मतलब एनर्जी देती है। पांचों लाइट एक साथ चली है। ये बहुत पावरफुल है जो भी एनर्जी है। पहले कैमरे में किसी साये का रिकॉर्ड होना, फिर एक टीम मेंबर को परछाई दिखना, यहां किसी को देखा, ठीक उसी जगह पर K2 मीटर में रीडिंग आना, ये सब कुछ यकीन से परे था। व्हाटएवर इट इज आई नीड टू टेक अ ब्रेक। देखिए मैं अब और ज्यादा बात करने की, मैं इस वक्त आप मेरी हालत देखिए, मेरा ये देखिए शरीर का एक एक रुआ खड़ा हो गया है। आई एम नॉट इन अ स्टेट टू टॉक। मैं मतलब ये इतना ज़्यादा शॉक्ड हूँ इस वक्त कि मुझे खुद मैं नहीं बात कर सकता। और नेगेटिव एनर्जी सोहेल भाई इन जगहों पे हमेशा रहती है, क्योंकि आप देख सकते हैं कितनी स्मेल है यहाँ पर। स्मेल है, चमगादड़ है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त आप मेरी हालत देखिए, आई एम नॉट फीलिंग गुड अबाउट दिस। लग रहा है कि हमको ब्रेक लेना चाहिए। बिल्कुल, न चाहते हुए भी हम पर माहौल का असर हो रहा था। हमने बाहर आकर बिखरी सांसों को इकट्ठा किया। रखो यार ये सब, मुझे अब थोड़ी देर आराम दो प्लीज। पानी दो प्लीज। थोड़ी देर में हालत सुधर गई तो हमने आगे की प्लानिंग शुरू की। गॉड यार अब समझ में नहीं आ रहा आगे क्या किया जाए, क्या करना है गोविंद, अब हिम्मत नहीं है किसी भी चीज़ की। देखते हैं अभी, काफी अपने इक्विपमेंट्स उनको लगा करके देखते हैं जगह जगह पर। जोश से होश गुम हो जाए तो गलती करवाता है। हमारे एक टीम मेंबर के साथ भी यही हुआ। मुझे नहीं लगता किसी को होगा, सब लोग सेफ हैं, पास पास ही हैं। इन्वेस्टिगेट तो करना ही पड़ेगा। अरे यार ये लड़का कहाँ गया? हाँ, आवाज आई है किसी की? हाँ कुछ आवाज आई है भाई। हेलो अवधेश अवधेश जवाब दो। जवाब दो। किसी अनहोनी की आशंका से दिल कांप उठा। शैंक। हम आवाज की दिशा में भागे। चल 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 चल। रास्ते से शैंक उठो। शैंक yeah. क्या हो गया? शैंक ठीक हो? क्या हुआ? शैंक पानी पियो। पानी क्या हुआ है? शैंक पानी पियो। चेहरे पर पसरा खौफ, लड़खड़ाती आवाज, उसकी हालत वाकई बेहद खराब थी। क्या हुआ तुम्हें अचानक से? आराम से बोलो। इतना जैसे ग्रॉल का आवाज आ ही रहा था। हाँ, बहुत अंदर भी। हाँ फिर बात कर रहे थे तो हाँ। बहुत मुझे लगा कि फिर से मैं देखते आ गया यहाँ पे। यहाँ पे आ रही ग्रॉल का आवाज आ रहा था। मैं तो धीरे धीरे आया यहाँ, आया मेरे को लगा कुछ शेडो में कुछ पिक करता, सिर्फ तब मुझे इसके बाद कुछ याद नहीं है, बस मैं यहीं। उसके बाद आप ही लोग जगाए। लोगों की कहानियों ने वहम पैदा किया, फिर वहम खौफ बना।
और खौफ ने मूर्तियों या पेड़ों में जिंदा साए गढ़ दिए। शशांक के साथ भी यही हुआ होगा। और जब किसी को मौत का एहसास होता है तब हिम्मत से लेकर तेवर तक सब बदल जाते हैं। शिट, इसकी आंखें लाल हो रही हैं बिल्कुल यार। मैं वही देख रहा हूँ इतनी देर से, आंखें एकदम लाल हो गई हैं। ठीक ठीक है, नहीं चलते हैं यार। क्यों अब चेक करने आए थे? चेक कर लिया, बेमतलब का क्यों डिस्टर्ब करना चीजों को? ठीक है अवधेश, शशांक के साथ रहो, उसको कहीं जाने मत देना। तुम्हारा वॉकी टॉकी कहाँ है? कहीं होगा पता नहीं। ओह शिट, मुझे इतना भी याद नहीं होना, मैं वॉकी से भी बोल पाता। अजीब कश्मकश के हालात बन गए। टीम के कुछ सदस्य वापस जाने पर अड़ गए तो कुछ बिना किराड़ू का रहस्य खोले जाने को तैयार नहीं थे। लेकिन हमने ये तय कर लिया कि जो भी करेंगे साथ करेंगे। वहम किसी पर भी हावी हो सकता था। भाई आप सब लोग एक साथ ही रहना। हमने मशवरा करके तय किया कि ये हमारी आखिरी कोशिश होगी, देखते हैं क्या होता है। ये मोशन सेंसर है, इसके साथ मैं एक अपना केटू भी रख देता हूँ। अगर कोई भी मोमेंट होगा इसके साथ में, कोई भी मूव होता है इसके आगे से, तो समझ लीजिए इसमें लाइट जल जाएगा। देखिए लाइट काफ़ी जल रही है, लाइट तो जलानी पड़ेगी, कैमरे से कैसे शूट करें? लाइट के सामने ऐसी चीज़ें नहीं आएंगी, एनर्जी जो भी है। मैं चाहता हूँ कि मेरे कहने पर एक बार अगर मुझ पर विश्वास है आपको, तो लाइट ऑफ करा दीजिए, मैं नाइट विजन में शूट करना चाहता हूँ। करीबन आप एक बार आइए इसमें और लाइट जला के बताइए हमें, मौजूद भी बताइए अभी बताइए। ओह गॉड, जल गया लाइट। शुक्रिया, आप हैं यहाँ पर। ओह लाइट, अब क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं कहूँगा, मेरे पूरे शरीर में जकड़न महसूस हो रही है। अब चलिए फिर, देखिए मैं अपनी वजह से, मैं नहीं चाहता कि किसी के साथ कुछ हो, क्योंकि शशांक के साथ हो चुका है और आप मौजूद भी वो बता चुके हैं। ये लाइट जली, क्लियर लाइट जली है। लेट्स गो, कैमरा उठाओ चलो। कहते हैं किराड़ू को श्राप है कि रात में वहां जो भी रुकेगा वो पत्थर का हो जाएगा, इन मूर्तियों की तरह। इस अंधविश्वास को खत्म करने के लिए हमने मंदिर में सारी रात बिताई। किराड़ू के आसमान में ये लाली देखकर आपको ये अंदाजा हो गया होगा कि सुबह हो चुकी है, और शायद मैं सदियों बाद वो पहला शख्स हूं जिसने इस मंदिर में एक पूरी रात गुजारी है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं बिल्कुल सही सलामत हूं, मैं पत्थर का नहीं बना हूं। हाँ, रात में कुछ चीजें ऐसी जरूर हुई जिन्होंने हमें सोच में डाल दिया, कुछ ऐसी चीजें थी जो चौंकाने वाली थी। लेकिन जब वक्त में थोड़ी देर बाद उनके बारे में सोचा तो लगा कि वो सारी चीजें शायद नेचुरल थी। हो सकता है हवा से वो फुटप्रिंट बन गया हो, हो सकता है जो हमारा साथी बेहोश हो गया था वो गर्मी और थकान की वजह से थोड़ी देर के लिए ब्लैकआउट हो गया हो। बहुत सारी चीज़ें जिन्हें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। सूरज की रोशनी में सब कुछ अलग लगता है और रात के अंधेरे में सब कुछ अलग। लेकिन हाँ, ये यकीनन कह सकता हूँ कि यहाँ पर मैं और मेरी पूरी टीम पत्थर की नहीं बनी, हम सब बिल्कुल सही सलामत हैं। न कोई पत्थर बना, न किसी साय ने हमें मारा, अंधविश्वास की डोर टूट गई थी। लेकिन एक सवाल बचा था, वो ये कि किराड़ू जैसा समृद्ध और विशाल नगर रेगिस्तान की धूल में कैसे गुम हो गया। पश्चिमी राजस्थान, ये क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर आज भी परंपराओं पे, और हम यूं कह सकते हैं कि ऑर्थोडॉक्स टाइप के लोग हैं यहाँ पे, तो शिक्षा अभी तक इस स्तर पर नहीं आई कि हम ऑर्थोडॉक्स से ऊपर उठ सकें। तो आज भी ऐसी चीज़ों पे हम बहुत विश्वास करते हैं, आज भी विश्वास करते हैं। तो वर्तमान स्थिति अगर मैं बताऊं तो किराड़ू क्षेत्र के अंदर आज भी लोग रात्रि में जाने से डरते हैं। उनका ये मानना है कि क्या पता उस श्राप के हम भी शिकार ना हो जाए, श्रापित ना हो जाए कहीं पर। और ये जब तक इसकी
अध्ययन उच्च अध्ययन नहीं होगा, इस पर शोध कार्य बहुत ज़्यादा नहीं होगा, इन क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार नहीं होगा, तब तक ये चीज़ें लगातार बनी रहेंगी। आज के युग में यहाँ वहम खौफ बनकर क्यों फैला ये तो समझ आ गया, लेकिन किराड़ू के नष्ट होने की असली कहानी क्या है? किराड़ू के बारे में माना ये जाता है कि एक बड़ा समृद्ध शहर था पहले ये, क्योंकि बाड़मेर तो बहुत बाद में बना था जी। इस पूरे क्षेत्र पर चालुक्य वैसल्स शासन करता था। चालुक्य वैसल्स का मतलब था कि मैन चालुक्य थे और उनकी कई सारी शाखाएँ थी, जैसे सोलंकी शाखा थी या परमार शाखा थी, और बड़ा व्यापारिक रूप से एक समृद्ध क्षेत्र था किराड़ू, जो गुजरात से मिडिल एशिया तक ट्रेड रूट के ऊपर आता था। ये तो इतना समृद्ध एरिया था, और फिर बाद में इसको जब मोमडन अटैक हुए थे तो मोहम्मद गोरी वगैरह के, उसके बाद काफ़ी क्षतिग्रस्त कर दिया गया था इसको। तो उस क्षतिग्रस्त होने के बाद में किराड़ू वापस कभी समृद्ध नहीं हो पाया। तो क्या किराड़ू पर कोई श्राप नहीं है? है, किराड़ू श्रापित है। उस पर वही श्राप है जो न जाने कितनी ऐतिहासिक धरोहरों को खा गया। वो श्राप है अंधविश्वास का, अफवाह का, वहम का। वो श्राप जिसने किराड़ू जैसी अनमोल सांस्कृतिक धरोहर को रेत में दफन कर दिया। तो ये थी किराड़ू की कहानी, 900 साल से रेत में दफन एक अभिशप्त नगर की कहानी। मंदिर में जो साया हमें दिखा वो हमारे खौफ से उपजा एहसास था। हाँ, पैरों के निशान या सीसीटीवी का कोई जवाब तो हमारे पास नहीं है, लेकिन वो किसी की शरारत भी हो सकती है। कोई ऐसा शख्स जो झूठ को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा, लेकिन हमें कुछ नहीं हुआ। ये साबित करता है कि किराड़ू में लोगों के पत्थर बनने की कहानी कोरी अफवाह है, फसाना है। हमें उम्मीद है कि हमारी इस कोशिश से किराड़ू को अपनी खोई हुई पहचान और अपना वजूद वापस मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, जिसमें थोड़ा सच होगा, थोड़ा बहाना, आधी हकीकत आधा फसाना।